अगर आपके घुटने की ग्रीस सूखने की वजह से आपके घुटने भी जाम होने लग गए हैं, घुटने ठीक से न तो मुड़ते हैं और न ही सीधे होते हैं, उठते बैठते समय और चलते समय घुटने से टक टक की आवाज आती है और घुटने की हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो गई हैं, या फिर आपके घुटने में तेज दर्द होने लगा है, घुटने में सूजन आ गई है, घुटने में पानी भर गया है, या फिर आपके घुटने की पीछे की मसल्स में तेज दर्द होने लग गया है और घुटने की पीछे की नस और मसल्स में कड़ापन आ गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिनके नियमित अभ्यास से आप कुछ ही दिनों में यानी 10 से 15 दिन में घुटने दर्द की समस्या से या फिर घुटने से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के, बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी इंजेक्शन के। सबसे पहले आपने चेयर पर बैठ जाना है और अपने घुटनों पे नी कैप को लगा देना है। बिना नी कैप के आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है? नी कैप को आपको अच्छे से लगा देना है। नी कैप लगाने के बाद आपको दो रस्सियां या फिर दो बेल्ट या फिर दो लंबे से सूती कपड़े, दुपट्टा हो रस्सी हो, आपको ले लेना है और उसे आपने अपनी अपर थाइस पे यानी घुटने से लगभग लगभग 8 से 10 इंच ऊपर बांध देना है, बहुत टाइट से बांध देना है इसको। इसको आपको बहुत टाइट बांध देना है, ठीक है? दोनों पैरों में आपको रस्सी या फिर बेल्ट बांध देना है और घुटने से ठीक 8 से 10 इंच ऊपर आपको बांध देना है। दोनों घुटनों में रस्सी कपड़ा या फिर बेल्ट बांधने के बाद आपको अपनी थाइज के नीचे ऐसा एक मोटा सा रोलर रखना है। यदि आपके पास रोलर नहीं है तो आप क्या करिएगा, कोई गोल वाला पिल्लो या फिर कंबल को ऐसे गोल गोल लपेट कर अपने थाइज के नीचे रख लीजिएगा। ऐसे रस्सी बांधने से होगा क्या कि जहां पे आपने रस्सी या दुपट्टा बांधा है उससे नीचे वाले हिस्से का ब्लड उससे नीचे ही रोटेट होगा और ऊपर वाला ब्लड ऊपर ही रोटेट होगा। जैसे जैसे आपके थाइज के नीचे वाला हिस्से में ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा, आपकी घुटने की मांसपेशियां मजबूत होती जाएंगी और आपके घुटने का गैप धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, घुटने का दर्द खत्म होना शुरू होगा। तो आपने अपने पैरों को ऐसे हिलाते रहना है, 1 से 2 मिनट या 2 से 4 मिनट लगातार अपने पैरों को ऐसे हिलाते जाएं। धीरे धीरे आपने पैरों को ऐसे हिलाते जाना है, ठीक है? ये 1 मिनट लगातार हिलाने के बाद आपके घुटने थकने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो आपने फिर भी लगातार हिलाते रहना है अपने पैरों को। धीरे 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 ऐसे करने से आपके पैरों में ब्लड और ऑक्सीजन का संचार बढ़ता जाएगा। फिर दोनों पैर एक साथ, 1, ये 2, बहुत ज्यादा सीधे नहीं करना पैर को, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपने पैर को ऐसे क्रॉस करना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ये दो एक्सरसाइज आपको रोज कम से कम 10 से 15 मिनट लगातार करना है। यदि आपने बताए गए एक्सरसाइज को इस तरह किया तो कुछ ही दिनों में 101% आपके घुटने से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।